इसराइल की सेना ने लेबनान के काना पर फिर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका। इसराइल और लेबनान के बीच और तेज हुई जंग, नेतन्याहू बोले जीत हासिल होने तक जारी रहेगी जंग। ईरान के परमाणु और तेल साइटों पर हमला नहीं करेगा इसराइल, अमेरिकी अधिकारियों का दावा, नेतन्याहू ने बाइडेन को दिया है आश्वासन। जंग के बीच लेबनान का दौरा करेंगी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, कहा इसराइल के अनुरोध पर लेबनान से यूनिफिल को वापस लाने का फैसला गलत। इजरायली सेना ने जबालिया में अस्पताल के अंदर बने हमास के नए ठिकाने का वीडियो किया जारी, तस्वीरों में दिखा हथियारों का जखीरा। आईडीएफ का हिजबुल्ला के नॉर्थ एरियल यूनिट के एक बड़े कमांडर खादर अल अबेद बजा को ढेर करने का दावा किया, इसराइल के हवाई हमले में मारा गया। इजरायली इंटरसेप्टर ने लेबनान के ड्रोन को सीमा में दाखिल होने से पहले ही तबाह करने का किया दावा, लेबनान की तरफ से जारी है ड्रोन हमले। हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले किए तेज, इसराइल के हाइफा बे और अपर गलीली इलाके पर एक साथ दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में आज उमर अब्दुल्ला लेंगे शपथ, डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, प्रकाश कारत, कनिमोई, डी राजा श्रीनगर पहुंचे। कार्यक्रम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत फिर बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 नवंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। महाराष्ट्र में आज महायुति महागठबंधन की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को लेकर होगी बैठक, मधुसूदन मिस्त्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा, पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा झारखंड कोर ग्रुप के साथ बैठक की। झारखंड के लिए बीजेपी एक दो दिन में जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में 55 सीटों पर तय हो चुके हैं उम्मीदवार। यूपी सरकार के फैसले के बाद सीएम धामी ने भी लिया एक्शन, नेक्स्ट पर लिखा देवभूमि, उत्तराखंड में खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने प्रियंका के नाम की आधिकारिक घोषणा की। हरियाणा के लिए आज अमित शाह करेंगे विधायक दल के नेता का चुनाव, पंचकुला मीटिंग में पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे अमित शाह। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया है। आज से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शुरू करेंगे दूसरे चरण की दर्शन यात्रा, तेजस्वी बोले हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी का करेंगे दौरा, आई हॉस्पिटल के अलावा कई निर्माण कार्यों का करेंगे उद्घाटन। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी भी उतारेगी उम्मीदवार, मायावती ने एक्स पर लिखा बीएसपी अपने दम पर उपचुनाव लड़ेगी। बहराइच में शांति व्यवस्था बहाल, पिछले 36 घंटे में कहीं भी नहीं हुई कोई अप्रिय घटना, हिंसा प्रभावित इलाकों में पर्याप्त फोर्स तैनात। बहराइच हिंसा मामले में सीओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अब तक 3 तरफ से दर्ज किए गए मुकदमे। बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई कार्रवाई। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण स्तर की बेहद खराब स्थिति, 438 पर पहुंचा AQI। पंजाब सरकार के खेतों से पराली उठाने के दावे फेल, बठिंडा के किसानों की पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, पिछली सुनवाई में प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम न उठाने पर दिल्ली सरकार को लगाई गई थी फटकार। शिमला के संजोली मस्जिद को लेकर हिंदुवादी संगठन की चेतावनी, कहा अगर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो फिर से करेंगे बड़ा आंदोलन। एयर इंडिया समेत 7 फ्लाइटों को मिले धमकी भरे मैसेज पर सिविल एविएशन मंत्रालय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, धमकी भरे मैसेजों की वजह से रोकी गई थी उड़ानें। एयर इंडिया की फ्लाइट को धमकी मिलने के मामले में राजनांदगांव के एक नाबालिग से पूछताछ, नाबालिग को लेकर सुरक्षा एजेंसी की टीम मुंबई रवाना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर लोगों ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार के रोहतास में माध्यमिक स्कूल के टीचर इश्तियाक अहमद पर छात्राओं ने लगाया छेड़खानी का आरोप, बैड टच के आरोप में अभिभावकों ने हंगामा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराबबंदी की खुली पोल, एक आदमी ने खुलेआम बिक रही शराब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पाकिस्तान में एससीओ समिट की आज से होगी आधिकारिक शुरुआत, इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, डिनर पार्टी में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से की मुलाकात।